हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी ही अच्छी फंक्शनलिटी लेके आ गया हूं दोस्तों। ये देख लीजिए क्या होता है 10 सेकंड के अंदर। यहां पे टाइमर चलता है दोस्तों, 8 7 6 5 4 3 2 1 बूम। ये देखिए दोस्तों, हैप्पी बर्थडे का मैसेज आ गया। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप लोग कैसे अचीव करेंगे, यही हम लोग जो है सीखने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, अपने इस जावा स्क्रिप्ट के चैप्टर में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है अपना कहाँ जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बिना देरी किए इसको ज़रूर देख लेना दोस्तों। और ऐसी फंक्शनलिटी है, छोटी छोटी फंक्शनलिटी आपको बताई जा रही है दोस्तों, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए जावा स्क्रिप्ट का। ओके दोस्तों, तो बिना आप लोग को अच्छे से समझना दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप हमसे ज़रूर ईमेल करिए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करके आपको जो है ज़रूर बता दूंगा इस चीज़। ठीक है दोस्तों, तो बिना बात किए हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग सॉफ्टवेयर में और इसको बना लेते हैं। दोस्तों आ जाइए वीएस कोड में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने नया फाइल ले लिया है, हैप्पी बर्थडे नाम का, हैप्पी बर्थडे डॉट एचटीएमएल नाम से सेव कर लिया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको इतना करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, डिज़ाइनिंग पैटर्न बताने में टाइम ज़्यादा हो जाता है और जावास्क्रिप्ट नहीं समझा पाता हूँ सही से दोस्तों। तो मैं आप लोग को जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझाऊंगा, बस ये कोड दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से यहाँ पे कोड करना है, और ये कुछ थोड़ा सा बस सीएसएस का कोड है, ये देख लो, ज़्यादा कोड नहीं है दोस्तों। एज इट इज़ आप लोग लिख देंगे तो आपका डिज़ाइनिंग उतना हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है बॉडी में कोड है, और ये सीएसएस का कोड है, तो 4 लाइन का। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के चलते हैं अपने मतलब अपना फंक्शनलिटी अचीव कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। स्क्रिप्ट टैग को मैंने इस तरीके से इनेबल कर लिया, और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लूँगा सो नाम का, एक फंक्शन बना दिया मैंने सो नाम का। सबसे पहले क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं अलर्ट करके चेक करूँगा। यहाँ पे मैं अलर्ट पास करता हूँ, अलर्ट होता है कि नहीं हमारा फंक्शन। तो ये फंक्शन हमें कब कॉल करना है दोस्तों, हमें ये फंक्शन पेज लोड होते ही कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं इस शो को इस तरीके से कॉल कर दूँगा, जैसे मैं रिलोड करूँगा पेज को, यहाँ पर देखना हमारा क्या आएगा। ये पेज हमारा नहीं है, हमारा ये वाला पेज है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँगा। ये देखिए, तो हमारा ये वाला पेज था दोस्तों, तो ये अलर्ट हो गया। देखिए ये देखिए अलर्ट हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है इसे। अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शनलिटी को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलर्ट मैंने किया था, इसको मैं रिमूव करता हूँ, टेस्टिंग के लिए था ये। सबसे पहले ये दोनों चीज़ हम जो जिसकी आईडी रिजल्ट है, और जिसकी आईडी ये है बर्थडे इमेज, यानी इसमें इमेज शो करेंगे, इसमें हम टाइमर चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं रिजल्ट नाम का, और इसमें रिजल्ट को स्टोर कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करूंगा इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या है आईडी इसको, रिजल्ट की आईडी रिजल्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, इमेज वाले को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बर्थडे, बर्थडे अंडर स्कोर इमेज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें जो है मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसकी आईडी क्या है, बर्थडे इमेज, बर्थडे इस तरीके से लिखता हूँ, और इमेज। यानी दोस्तों ये समझिए आप लोग, इसमें क्या गया, इसमें हमारा रिजल्ट में क्या गया, ये वाला पी गया। ठीक है, बस इतना समझो, रिजल्ट में क्या गया हमारा पी गया, और बर्थडे इमेज में क्या गया हमारा, ये इमेज गया, आईएमजी टैग गया। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूंगा एक्स नाम का, जिसमें हम लोग टाइमिंग चलाएंगे। एक्स में मैं पहले से स्टोर करके रखता हूँ 10 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो इससे पहले भी मैंने अपलोड किया है वीडियो, तो दोनों आप लोग देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेथड है हमारा सेट इंटरवल, यहाँ पे हम लोग सेट इंटरवल मेथड सेट करते हैं। इसमें 2 पैरामीटर होता है दोस्तों। सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, आपका फंक्शन डिफिनेशन, यानी आपको करना क्या है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफिनेशन इस तरीके से फंक्शन बनाऊंगा, और ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे कॉमा से पहले, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर हमें क्या डिफाइन करना है, टाइमिंग, यानी कितना टाइम बाद आपको ये मतलब एग्जीक्यूट कराना है, कितने टाइम बाद तुरंत ये। आप यहाँ पे अगर 1000 लिखते हैं, तो हर वहाँ पे अगर मैं 1000 लिख दूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 1000 लिखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हर सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और हर सेकंड पे जो आप करना चाहेंगे वो काम होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शन का पैरेंथेसिस। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल,
इक्वल टू एक्स को मैं माइनस माइनस करता हूँ, यानी एक्स माइनस माइनस लिखता हूँ, यानी कि ये जो एक्स में वैल्यू 10 स्टोर्ड है ये माइनस होगी अब, है ना, ये एक्स में जो 10 स्टोर्ड है ये माइनस होगी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कैसे माइनस होता है। ये देखिए 10 आया, 9 आया, इस तरीके से ये माइनस होके कहाँ जाएगा, तो माइनस होके ये अभी देखिए माइनस में चला जाएगा ये, तो माइनस इसके 0 हो गया, फिर -1 हो गया माइनस, लेकिन हमें 0 पे ही इसको रोक देना है, 0 पे ही इसको रोक देना है दोस्तों। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम, क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल। अब इसमें हम लोग को वो फंक्शन का नेम पास करना होता है जो आपको क्लियर करना है, यानी आपको अगर सेट इंटरवल को रोकना है तो आप सबसे पहले इसको क्या करिए, एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको इंटरवल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें स्टोर कर देता हूँ, यानी ये जो फंक्शन है ये आप कहाँ स्टोर हो गया, इस इंटरवल वाने में। तो अगर आपको इस फंक्शन को रोकना है तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, इंटरवल, इस तरीके से इंटरवल पास कर दें, तो ऑटोमेटिक जब ये 0 हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ इसको दोबारा, ये देखना 10 9, इस तरीके से ये 0 पे जाके रुक जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, बूम 1 पे रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे रुक गया, अब 1 पे जैसे ही आएगा ये हमारा टाइमर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा है, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हम लिख देंगे हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा दोस्तों, लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे, ये देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा फंक्शनैलिटी कुछ अभी इतना हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ये मतलब आएगा 1 पे, ऑटोमेटिक हमारा हैप्पी बर्थडे प्रिंट हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये देखिए प्रिंट हो गया। इसके नीचे हमें इमेज को प्रिंट करना था, तो हमारा इमेज यहाँ पे है, इमेज वाला ये IMG यहाँ पे स्टोर है, तो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख दूँ, इमेज क्या है इसका आईडी, सॉरी क्या है वेरिएबल है, बर्थडे इमेज, यानी कि बर्थडे इमेज, यानी ये इमेज जिसमें IMG स्टोर है, डॉट SRC, SRC इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, मेरे पास एक डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी हुई है दोस्तों, वही मैं लगाने वाला हूँ। तो डेस्कटॉप पे जो इमेज पड़ी है हमारी, उसका नाम है team-1-2.jpg है शायद, मैं देख लेता हूँ JPG, ठीक है, तो -2.jpg मैंने लगाया, मैं रिलोड करूँगा, ये देखिए, तो अब वो इमेज भी आ जाएगा। तो 10 सेकंड बाद आपको क्या करना, जरूरी नहीं दोस्तों आप इमेज ही शो करिए, बर्थडे लिखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है बस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ये बड़ी ही अच्छी फंक्शनैलिटी थी दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ी देर में ही अचीव कर लिया, बड़ी बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी दोस्तों, आपको सोचना है। ये तो मैंने छोटा सा बस डेमो दिया आपको आगे बढ़ाने के लिए, कि आप इससे सोच कर कैसे अपने प्रोग्राम को, कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं छोटा छोटा डेमो देता हूँ दोस्तों आपको, मैंने बहुत सारे वीडियो बताए, आप उससे रिलेटेड और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपने वेबसाइट में इसको यूज करिए दोस्तों। तो अगर आप लोग को वेबसाइट बनाना नहीं आता, तो मैंने प्रोजेक्ट वाइज मतलब सब चैप्टर वाइज वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया दोस्तों, जाके जरूर उसको जो है चेकआउट करिए। हमारा जो प्लेलिस्ट है वेबसाइट बनाने का, वो कौन सा, CSS प्रोजेक्ट नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनवाई जा रही है दोस्तों, ज़रूर उसको देखिए। ओके दोस्तों, तो आप लोग को अगर HTML CSS नहीं आता है तो आप लोग इसको मत देखना दोस्तों, JavaScript का हमारा जितना भी कोड पढ़ाया जा रहा है उसको मत देखिए, HTML CSS अगर आपको नहीं आता है अच्छे से। अगर आपको HTML CSS आता है तो आप हमारा जब सब्जेक्ट वाइज जो JavaScript पढ़ाई जा रही है उसको देखिए, उसके बाद प्रोजेक्ट वाइज देखना, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप एक सिस्टम होता है पढ़ने का, एक सिस्टम होता है दोस्तों, उस सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करेंगे आप, तो आप फिर आप कितना भी लैंग्वेज सीख ले, आप एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम है समझाना आप लोग को, मैं समझा के चला जाता हूँ दोस्तों। आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करिए, अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।